उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को लेकर काफी सख्त है। इसी का नतीजा है कि समय समय पर आपराधिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने के लिए जेलों के अंदर भी प्रशासनिक अधिकारियों की छापेमारी कार्रवाई चलती रहती है। इसी क्रम में रामपुर जिला जेल पर डीएम ने संयुक्त रूप से छापेमारी की कार्रवाई की है। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जी अल्लाह। रामपुर डीएम रविंद्र कुमार मांदड़ व एसपी अंकित मित्तल ने जिला जेल पर छापेमारी की। इस दौरान जेल के अंदर बंदियों की बैरिकों की तलाशी ली गई, जहां पर कुछ नियम विरुद्ध सामग्री बरामद हुई। हालांकि डीएम ने इसे रूटीन निरीक्षण बताया है, जबकि इस कार्रवाई के दौरान जेल के अंदर भारी पुलिस बल भी दाखिल हुआ। डीएम की कार्रवाई काफी देर तक चली। इस बीच जेल प्रशासन की सांसें अटकी रहीं। जब डीएम व एसपी जेल से निकलकर अन्य स्थानों के लिए रवाना हुआ तो फिर जाकर राहत की सांस ली। देखिए, हमारा और एसपी साहब का नियमित निरीक्षण होता रहता है। उसमें गृह विभाग के आदेश भी है कि जेल का नियमित निरीक्षण किया जाए और कोई किसी प्रकार की अवैध गतिविधि वहाँ पर ना हो, तो उन सब चीज़ों को लगातार रेगुलर वॉच किया जाए। तो उसी के तहत हम लोग यहाँ पर आए थे। सभी बैरकों का हमने निरीक्षण कराया है। कई जगह कुछ जो तंबाकू सिगरेट आदि जो चीज़ें मिली है उसको हम लोग अपने निरीक्षण आख्या में लिखेंगे। जेल प्रशासन को लगातार पहले भी हम लोग आगाह करते रहे हैं कि किसी प्रकार की अवैध सामग्री अंदर ना जाए। मिलाई के दौरान भी जो सामग्री लेकर जाते हैं लोग, उसकी प्रॉपर चेकिंग करें, कोई असला या अन्य कोई ऐसी सामग्री ना हो जिससे कोई जेल प्रशासन को लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम झेलनी पड़े। तो सारे बिंदुओं पर विस्तार में निरीक्षण किया गया है और एक रूटीन इंस्पेक्शन हमारा था। अच्छा, डीएम साहब, जैसे यहाँ पर बताया तो आपको, जैसे यहाँ पर जो कैपेसिटी है वो तकरीबन 400 450 की है, लेकिन दुगने से ज़्यादा है, तो इसके लिए क्या किया? वो तो एक समस्या है ही। उसके लिए एक नई जेल का पहले यहाँ पे निर्माण का प्रपोजल था, उसमें कुछ नए निर्देश हमको प्राप्त होंगे, तो वो तो तभी दूर हो पाएगा कि जब इसकी कैपेसिटी बढ़े या नई जगह पे जेल शिफ्ट हो। तब तक के लिए हमारा प्रयास यही है कि किसी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी यहाँ पर ना हो, तो उसको लगातार हम लोग रोकेंगे। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।